अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी दोस्तों को दाऊद अली सैम का सलाम। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जज़ाकअल्लाह खैर फाउंडेशन की टीम की जानिब से आज ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे कि काफ़ी सर्दी का माहौल बना हुआ है सरजमीन हिंदुस्तान में और ख़ास करके तो हैदराबाद में। तो और जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तूफ़ान आया है, जैसे कि विशाखापट्टनम। तो अल्लाह सुबहाना तआला से यही दुआ है, जो वहाँ पर अल्लाह मौजूद है अल्लाह तो उनसे गम लें और हमें भी मौका दे। तो आज हमारे भाई और अपनी टीम के साथ हम आए हैं, और जिस किसी का भी इसमें साथ रहा और ताउन रहा अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। और ये सिर्फ मैसेज है कि अपनों तक कि देखिए ऐसे कई बच्चे हैं जिन लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूरत है। तो ब्लैंकेट के बाद उन लोगों को और ख़तर के और कुवैत के एयर ड्यूटी फ्री से जो चॉकलेट्स लिया गया था आज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ये मैसेज इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भी बाहर से आते हैं तो अपने घर वालों को और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने ससुराल वालों को, अपने रिश्तेदारों को चॉकलेट्स, अचार, परफ्यूम देते हैं, तो मदरसों के बच्चों को कोई नहीं देता। यहाँ से कारवां और आगे जाते जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? चलो भाई लाइन बना लो पूरी। हेलो भाई, आए सादे बाबा, छोटे पहले देना मेरे सामने, ठीक है? शादी क्या हो? अच्छा चलिए बिस्मिल्लाह। जरा मुस्कुराओ भाई, अरे जल्दी मुस्कुराओ यार, जरा हंसो हंसो, जरा हंसो जल्दी हंसो, तुम्हारी शादी पहले तय करना है ना। क्या चलो आप चलो चलो इनको दे दो सारे, चलो उधर देखो, अल्लासी ना पा आओ यहाँ से, चलो बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह, दियो दियो अभी लोग करना, मैं रिटायरमेंट ले लिया, क्या बोलते? जज़ाकअल्लाह, बोलो जज़ाकअल्लाह खैर। चलो फिर भाई आइए, ये बॉडी बिल्डर है और हमारे दोस्त है माशाल्लाह से, जो भी गोश्त नहीं देते दुकान में, कुछ भी नहीं देते, खाली में करे तो वहां डर के कल से अपना नहीं पड़े तो फिर आपको डरेंगे, ठीक है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, जोर से बोलना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए दुआ करना, बोलो इंशाल्लाह, सारी उम्मत के लिए दुआ करना, बोलो इंशाल्लाह, और संडे संडे मोल साहबों को सताएंगे, बोलो इंशाल्लाह, बोलो भाई, छुट्टी उस दिन ना सताना ना, थोड़ा तो सताना ना, नहीं सताते, आओ और भाई आप बोल कभी बोले चलाओ बाकी के आओ, ठीक है वो लोग भी दे देंगे। तो दोस्तों की अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज पूरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी को बोला हम सब के हक में दुआ करें और इन लोगों के भी हक में दुआ करना जो लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों की अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी कोशिश रही और आप सबकी दुआएं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद ये है कि कई लोग नीलाफर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, यामा तो जा रहे हैं, तो हमारा टारगेट है कि दूर दूर, जैसे कि अब ये शाही नगर में, शाही नगर के और अंदर के इलाके, तो मेरे घर से ये शाही नगर का रास्ता पड़ता है करीब करीब 39 किलोमीटर्स का रास्ता पड़ता है। तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ तक हम नहीं जा सकते, और बाकी के लोगों भी उनके मैसेजेस आ रहे हमको ये करना है वो करना है, तो मैं उन लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ
कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर है पैसे तो पीछे नहीं आते, बस दुआ चाहिए आप सबकी कि अल्लाह हम तमाम इन बच्चों को कामयाब अता फरमाए। आपके कौन कौन चल रहे एग्जीबिशन नामपल्ली ग्राउंड एग्जीबिशन को कौन कौन आ रहे आ रहे जोर से बोलो भैया। तो बहरहाल ये चलो आ जाओ ले दे जाओ एक सेकंड ये दो दे आप दे ना हाथ से अपने जी हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठहरो बेटा ठहरो चलो आप ले लेते जाओ बाकी के भी इंशाल्लाह ताला। अब खाना कौन कौन खाए भाई खाए खाना खाए चलो माशाल्लाह ले लो अपने अपने हाथों से ले लो जो पसंद आया ले जो पसंद आया चलो उठा के चलते रहो। हेलो हेलो देखिए देखिए सुकून दे सुकून जल्दबाजी मत जो बनाना है लो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो एक दो लेना है दो देखिए 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 आराम से कोई बात नहीं ढकल लाना किसी चलो चलो बाकी के और भी है एक काम करो इधर आप ले लेना है तो दोस्तों दुआओं में याद रखें फिर इंशाल्लाह ताला जरूर मुलाकात होगी। आप सबकी दुआएं चाहिए और खास करके यही दुआ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे खुशियां दे सेहत दे शिफा दे और अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और जिनको हमारा काम समझ में नहीं आता तो प्लीज हाथ उठा के दुआ करो अगर वो भी नहीं हो सकता खामोश रहो। तो जजाकअल्लाह दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह ताला जरूर मुलाकात करेंगे फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक बार फिर बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अय अल्लाह सारी उम्मत को हिदायत अता फरमा तौफीक अता फरमा ईमान की हिफाजत फरमा किसी का मोहताज ना फरमा और सबको खुशियाँ अता फरमा रहम अता फरमा करम अता फरमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों फिर इंशाल्लाह ताला जरूर मुलाकात होगी और दुआ करें ये हमारे बहुत दुबले इंसान हैं यासीन भाई तो इनके हाथ में दुआ करें और हमारे भतीजे जो सुलेमान के भतीजे और हमारे भतीजे सादिक माशाल्लाह आप भी हाथ में कैसे हैं आप माशाल्लाह और ये बॉडी बिल्डर है कभी भी किसी को कोई सलाम खैरियत से आप लोगों के पैसे कोई अगर देना है तो इनको फोन करो इन्हों नहीं उठाते और नहीं आते भाई मेरी नाइट शिफ्ट रहती है इसकी वजह से मैं आज बहुत गलती से आ चुके नहीं 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 भाई भाई आज मैं वादा किया आ रहा हूँ ना और कह रहे हैं कि हबीब नवाब सलाम भाई फ्रॉम जिद्दा वालेकुम अस्सलाम पूरे बोल दो वालेकुम अस्सलाम हम सब के हक में दुआएं करें और अल्लाह हमें उम्रे की सादात नसीब फरमाए जजाकअल्लाह खैर। और सबिया सबा अमेरिका से फरमा रहे कि गुड जॉब शकील अहमद कह रहे कि अस्सलाम वालेकुम भाई शकील अहमद डॉक्टर जूनियर डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब को बोलो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे बोलो बोलो। तो बाकी के जो भी हैं हसन साहब आमीन आमीन करें जितने भी जो लोग हैं आप सब दुआएं करें और यहाँ के बाद पहाड़े शरीफ के दरगाह के पास जाकर वहाँ के मुस्तहिकों को औरों को भी ब्लैंकेट्स बांटना है ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम हमारे घरों में अच्छी गर्म ओढ़ने का पहन रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी हम ख्याल करें। तो जजाकअल्लाह दोस्तों दुआ में याद रखें इंशाअल्लाह ताला जरूर मुलाकात करें। अस्सलामु अलैकुम अल्लाह हाफिज़।